तो कल के आने वाले एपिसोड में जहां आप घर में एक बार फिर से और भी लड़ाई का मंजर देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जहां पर अभिजीत टिचकुलो के साथ साथ में देखते नजर आएंगे कि समिता सेट्टी एंड उनके साथ में तेजस्वी की बड़ी फाइट देखने को मिलेगी। अक्सर देखा गया है कि बिग बॉस में फाइटों का सिलसिला तो जारी ही है, लेकिन इस बार देखना और ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। जैसा कि सभी दोस्तों को पता ही है कि इस समय घर में लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है, और जब से इस घर से उमर रियाज गए हैं तब से एक बार फिर से रश्मि देसाई बिल्कुल अकेली हो चुकी हैं। और सलमान खान ने वीकेंड के बार पर निकाला था रश्मि देसाई के सबसे करीबी फ्रेंड माने जाने वाले एक्टर उमर रियाज को। उमर रियाज एक ऐसे इसमें सेलिब्रिटी रहे हैं कि जिन्होंने लगातार अपना अच्छे से टास्क निभाया है, और प्रतीक सेजवाल के साथ में उनकी लड़ाई को देखते हुए उन्हें बिग बॉस 15 से निष्कासित किया गया था। सलमान खान ने वीकेंड के बार पर बहुत कुछ खुलासा किया है, यहाँ तक कि प्रतीक को उन्होंने समझाया भी था। दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि अभिजीत विचकुले की लड़ाई एक बार फिर से लंबे पैमाने पर पहुंच चुकी है, क्योंकि वो गाली गलौज तो करते नज़र ही आते हैं, वह ए शब्द का प्रयोग करते हुए भी बहुत बार नज़र आते हैं। निशांत भट्ट और प्रतीक सेजवाल के साथ साथ में समिता सेट्टी ने और डेवोलिना भट्टाचार्य ने, रश्मि देसाई ने काफ़ी बार विचकुले को समझाया है, लेकिन वो समझने के लिए किसी भी तरीका से तैयार नहीं हुए हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस बार बिग बॉस 15 की लड़ाई बहुत ही ऊंचे पैमाने पर पहुंच चुकी है, जो कि एक दूसरे के लिए सेलिब्रिटी एक दूसरे के साथ में भिड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। यहां तक की बात की जाए लव स्टोरी की, तो घर में अच्छी खासी लव स्टोरी स्टार्ट होने ही जा रही थी उमर रियाज और रश्मि देसाई की, लेकिन इससे पहले उमर रियाज को इस घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। हालांकि माना जा रहा है कि जल्दी ही उमर रियाज की वापसी भी होगी, और दूसरी लव स्टोरी करण कुंद्रा और तेजस्वी की है, क्योंकि करण कुंद्रा तेजस्वी एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छी तरीक़ा से लड़ते भी हैं और मोहब्बत भी करते हैं। वहीं पे ही डेवोलिना भट्टाचार्य और प्रतीक सेजवाल की लव स्टोरी भी काफ़ी अच्छी चल रही है, जो कि लोगों के सामने अच्छी खासी पेश आ रही है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए। थैंक यू।